जरा एक बार आप इन तीन फोटोज को ध्यान से देखो। पता है इन तीनों लोगों में ये दो चीजें कॉमन है। पहला तो ये कि ये तीनों लोग इस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, मगर दूसरा ये कि इतने अमीर होने के बावजूद भी ये लोग बहुत ही सिंपल या फिर मिडिल क्लास दिखते हैं। इनफैक्ट हमारे देश में भी आपको ऐसे कई सारे अमीर लोग दिख जाएंगे जिनके पास पैसा तो बहुत है, मगर उन्हें देखकर आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये लोग अमीर हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा है क्यों? ये सभी लोग आखिर इतना पैसा होने के बाद भी ऐसे रहना क्यों प्रेफर करते हैं? अमीर बनने और अमीर दिखने के बीच में आखिर वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है? इन सारे बिलियनर्स के द्वारा ये सब कुछ क्यों और कैसे किया जाता है, आज इन चीजों को एकदम डिटेल में समझते हैं। इलॉन मस्क एक दिन ये ट्वीट करते हैं कि वो एक $45,000 के साधारण से घर में रहते हैं, लेकिन सच तो ये कि ये आदमी आपको कभी नहीं बताएगा कि उसके पास एक $30 मिलियन का लग्जरी मैंशन भी है। राकेश झुंझुनवाला की ये फोटो देखिए। आपने कुछ नोटिस किया कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट ट्रेडर जो कि $5.8 बिलियन यानी कि करीब 48,000 करोड़ रुपए का मालिक है, वो एक सिंपल सी बिना आयरन करी हुई शर्ट में खड़े हैं। मार्क ज़करबर्ग कहने को तो वो दुनिया के 16वें सबसे अमीर आदमी है, जो कि अगर डेली भी चाहे तो नए कपड़े आराम से खरीद सकते हैं, मगर इसके बावजूद भी आपको वो हमेशा एक ही प्लेन टी शर्ट में मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है इंडिया के श्रीधर वेम्बू, जो कि $3.75 बिलियन की नेटवर्थ के बावजूद भी साइकिल से ऑफिस जाते हैं। पर ये सब आखिर क्यों किया जाता है? सो देखो, इन सारी चीजों के पीछे की कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा इस पूरी दुनिया के वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को, जिसके लिए एक बार आप जरा इस पिरामिड को ध्यान से देखो। साल 2022 में इस पूरी दुनिया की टोटल अकाउंटेड वेल्थ थी $454.4 ट्रिलियन। अब ये जो पूरी वेल्थ है इसको नेटवर्थ के हिसाब से इन चार प्रकार के लोगों में डिवाइड किया गया है, जिसमें 45.8% वेल्थ यानी कि करीब $208.3 ट्रिलियन सिर्फ इस दुनिया के 1% लोगों के हाथ में है। मतलब कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो इन सब के पास $1 मिलियन यानी कि 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अब इसके बाद आते हैं वो लोग जिनकी नेटवर्थ $100,000 से लेकर $1 मिलियन के बीच में है, और ये जो लोग हैं वो ग्लोबल वेल्थ का 39.4% यानी कि दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा कवर करते हैं। मगर टोटल पॉपुलेशन में से इनकी पॉपुलेशन कितनी है? सिर्फ 12%। अब इस वेल्थ पिरामिड की दोनों कैटेगरीज को समझने के बाद समझते हैं इसके तीसरे हिस्से को, जहाँ पे वो लोग आते हैं जिनकी नेटवर्थ $10,000 से लेकर $100,000 यानी कि 80 लाख रुपए के बीच में है। ये लोग वैसे तो ग्लोबल पॉपुलेशन का 34.4% कवर करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया की वेल्थ में इनका हिस्सा कितना है? सिर्फ 13.6%। और इन सब के बाद जो लास्ट में आते हैं वो लोग होते हैं जिनकी नेटवर्थ $10,000 यानी कि 8 लाख रुपए से भी कम है, मगर इनका जो पॉपुलेशन शेयर है वो है 52.5%। अब आप ये क्लियरली देख सकते हो कि इस वेल्थ पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में इस दुनिया के आधे से भी ज्यादा पॉपुलेशन आती है, और ये जो गैप है वो फ्यूचर में कम नहीं होने वाला बल्कि ये और ज्यादा बढ़ेगा। यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स के अनुसार 2030 तक इस दुनिया की 1% पॉपुलेशन के पास ओवरऑल ग्लोबल वेल्थ का 2/3 हिस्सा यानी कि करीब 70% से भी ज्यादा होगा, और ये जो 2/3 हिस्सा होगा इसमें से भी ज्यादातर हिस्सा बिलियनर्स ही कंट्रोल करेंगे। अब ये सुनकर अगर आपको शॉक नहीं लगा तो डेफिनेटली अब आपको एक बहुत ही तगड़ा शॉक लगने वाला है। ऑक्सफैम एक ब्रिटिश चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि ग्लोबल पॉवर्टी को कम करने के लिए काम करती है, उसका ये कहना है कि आज दुनिया के टॉप 26 richest person उन लोगों के पास इतना पैसा है जितना कि दुनिया के 390 करोड़ लोगों के पास मिलाकर भी नहीं है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो आज दुनिया की ज्यादातर पॉपुलेशन और सिर्फ कुछ गिने चुने बिलियनर्स के बीच में एक बहुत बड़ा वेल्थ गैप क्रिएट हो चुका है, और ये जो गैप है इसी गैप को छुपाने के लिए जन्म हुआ था स्टेल्थ वेल्थ का, जिसको आज हम लोग क्वाइट लग्जरी के नाम से जानते हैं। अब ये होता क्या है इसको आगे समझने से पहले मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप लोग आखिर पूरे साल में पैसा कमाने के लिए कितने घंटे काम करते हो? क्योंकि अगर हम एक एवरेज निकाले तो हम सभी लोग एक पूरे साल में कम से कम 2000 घंटे काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, मगर जो दुख की बात है वो ये कि इस पैसे को मैनेज करने और बढ़ाने के लिए आखिर हम कितना टाइम स्पेंड करते हैं? बहुत ही कम। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस, वो हमें कभी ये सिखाते ही नहीं है कि कैसे अपने पैसों का ध्यान रखा जाए। अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, इंश्योरेंस और यहाँ तक कि टैक्सेस भी, हमें इनमें से किसी के बारे में भी पढ़ाया ही नहीं जाता। पता है अभी तक तो ऐसा ही हो रहा था, पर अब वक्त आ चुका है कि हम इस चीज को बदले।
दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय 1% क्लब। पता है आज हमारे देश में जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी अमीर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, और इंडिया में इस वक्त कई सारी अमेजिंग फिनटेक कंपनीज निकल कर आ रही है, एंड इन्हीं में से एक कंपनी है द 1% क्लब, जिसके फाउंडर है फाइनेंस विद शरण, और जीरोधा के निखिल कामत ने भी इस कंपनी के अंदर 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है। जो 1% क्लब है उसका विजन ये है कि वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में हेल्प करे, क्योंकि यू सी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ हमें एक जॉब लेने के लिए तैयार करता है, मगर उस जॉब की सैलरी का कोई फायदा नहीं अगर आपको अपने पैसों को सही से मैनेज करके उससे वेल्थ क्रिएट करना नहीं आता। इनफैक्ट कई बड़े बड़े लोग जैसे अमिताभ बच्चन और माइकल जैक्सन, ये लोग अपनी जिंदगी में करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी बैंकरप्ट हो गए थे। इसीलिए फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट आपके लिए बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है, एंड इसी बढ़ती हुई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द 1% क्लब आपकी हेल्प करेगा। 1% क्लब एक न्यू एज फिनटेक कंपनी है जो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम यूनिवर्सिटी की मदद से आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, जहां पर आपको 25 से भी ज्यादा फाइनेंशियल प्लानिंग टूल्स, 50,000 मेंबर्स से भी बड़ी एक ऑनलाइन कम्युनिटी और बहुत सारे नेटवर्किंग इवेंट्स जो कि इंडिया के कई सारे मेजर सिटीज के अंदर होती है, ये सारी चीजें मिलती हैं जो आपको अपने करियर में ग्रो करने में हेल्प करेगी। एंड अगर आप भी इस चीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो द 1% क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग अ 2-hour पर्सनल फाइनेंस मास्टर क्लास, जिसको फाइनेंस विद शरण कंडक्ट करवा रहे हैं। इस मास्टर क्लास में आप सीखोगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, अर्ली रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कैसे करें, और कैसे आप लाखों रुपए बचा सकते हो अपने टैक्सेस के ऊपर बाय यूजिंग द 5 सीक्रेट टूल्स। तो अगर आप भी अपने पैसों का कंट्रोल लेना चाहते हो देन यू शुड रजिस्टर फॉर दिस मास्टर क्लास, और मेरा जो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर स्पेशल लिंक है, आप अगर वहां से साइन अप करते हो तो आपको इसके ऊपर 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। स्टेल्थ वेल्थ ये एक ऐसा आर्ट होता है जिसमें आप कॉन्शियसली अपने पैसों को बाहर के लोगों से छुपा कर रखते हो। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि बिलियनर्स लग्जरी लाइफ नहीं जीते, वो वैसी ही लग्जरी लाइफ जीते हैं जैसा आप सोचते हो, मगर वो उनकी पर्सनल लाइफ होती है जिसको ये लोग पब्लिक में आकर कभी नहीं बताते। इनफैक्ट पब्लिक में तो ज्यादातर बिलियनर्स आपको बहुत ही सिंपल दिखने की कोशिश करते हैं। इसका एक मजेदार एग्जाम्पल है ये आदमी। हम सबको ये तो पता है कि मार्क जकरबर्ग कई सालों से सिर्फ एक ही ग्रे टी शर्ट से काम चला रहे हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि यही ग्रे टी शर्ट एक बहुत ही फेमस इटालियन क्लोथिंग ब्रांड ब्रुनेलो कुशनेली द्वारा ही कस्टम डिजाइन करी गई है, और ये जो ब्रांड है इसकी एक सिंपल सी टी शर्ट भी इंडियन रुपीज में आती है करीब 45,000 की। ऐसे ही वॉरेन बुफे, वो वैसे तो एक ही गाड़ी ओन करते हैं, लेकिन जब भी वो किसी दूसरी सिटी वगैरह में ट्रिप करते हैं तो उनके साथ एक पूरी कार की फ्लीट जाती है जिसके अंदर उनकी सिक्योरिटी टीम भी होती है। सेम ऐसे ही है इलोन मस्क, वो पब्लिकली कितना भी सिंपल बनकर दिखाए मगर रियलिटी में उनका जो रियल एस्टेट पोर्टफोलियो है सिर्फ उसी की नेटवर्थ है $137 मिलियन। लेकिन ये जो सच्चाई है ये हमारे सामने आने से रोक दी जाती है, और अगर आती भी है तो बहुत ही कम आती है, क्योंकि ये जो सारे बिलियनर्स है इनकी एक पीआर टीम होती है जो हमेशा बाकी लोगों के सामने इनकी एक ब्रांड इमेज बिल्ड करने में लगी रहती है। अब ये जो पीआर टीम है वो हम लोगों के माइंड में वही इन्फॉर्मेशन फीड करती है जिससे हमें ये बिलियनर्स एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में हार्ड वर्क करते हुए और बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हुए दिखाई दे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जहां पर एक तरफ तो दुनिया के बहुत सारे लोग थोड़ा सा पैसा कमाने के बाद ही लग्जरी लाइफ जीना शुरू कर देते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा खरीद कर व्लॉग शूट करते हैं, कपड़ों से लेकर जूतों तक हर एक चीज की अनबॉक्सिंग करके उसे सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, वहीं पर ये सारे बिलियनर्स जिनके पास इन लोगों से कई गुना ज्यादा पैसा है वो सोशली इतना सिंपल क्यों दिखना चाहते हैं? नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च NBER, जो कि एक अमेरिकन प्राइवेट नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कंपनीज के CEOs के लाइफस्टाइल और उनके फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट इन दोनों चीजों के ऊपर एक रिसर्च करी, और इस रिसर्च के दौरान उन्हें पता लगता है कि इस दुनिया में दो टाइप के CEOs एग्जिस्ट करते हैं। पहले नंबर पे आते हैं नॉन फ्रूगल CEOs, ये वो CEO होते हैं जो कि लग्जरी गुड्स के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, महंगी गाड़ी, महंगे घर, महंगे कपड़े, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना, प्राइवेट जेट से ट्रैवल करना, यहाँ तक कि खुद की बड़ी बड़ी यॉट्स भी रखना। इन सब लोगों को अक्सर नॉन फ्रूगल CEOs की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ होते हैं फ्रूगल CEOs जो कि अपनी लग्जरी लाइफ के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करने में बिलीव नहीं करते। ये जो लोग होते हैं इनको सिंपल लाइफ मेंटेन करना ज्यादा सेफ और ज्यादा प्रोडक्टिव लगता है। अब इसी रिसर्च में ये भी सामने आया कि जो फ्रूगल CEOs होते हैं वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के मामले में ज्यादा रिलायबल होते हैं। रिसर्च ये बताती है कि जो कंपनीज फ्रूगल CEOs द्वारा चलाई जाती है उनके अंदर फ्यूचर में फ्रॉड और अनइंटेंशनल रिपोर्टिंग एरर्स, यहाँ तक कि मिसमैनेजमेंट, ये सारी चीजें होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसी बात को अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो रिसर्च ये कहना चाहती है कि जिन कंपनीज का CEO
या बाकी टॉप एग्जीक्यूटिव्स ज्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल के ऊपर पैसे खर्च करते हैं, उन कंपनीज में फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ये सिर्फ बाहर की कंट्रीज में नहीं बल्कि आपको इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, जतिन मेहता, ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज चलाई है, मगर अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के कारण इन सभी की कंपनीज में कोई ना कोई फाइनेंशियल फ्रॉड का केस हुआ है। अब इन लोगों के ऐसा करने की वजह से सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक साइकोलॉजी डेवलप हो गई है जो कि ये कहती है कि लग्जरी का मतलब है धोखेबाजी। पास्ट में ऐसे इंसिडेंट्स देखने की वजह से अब लोग लग्जरी को अपने दिमाग में मेहनत और इंटेलिजेंस से नहीं बल्कि फ्रॉड से लिंक करते हैं। आप अपने आसपास ही देख लो, लोग जब भी किसी अमीर इंसान को देखते हैं तो यही सोचते हैं कि इसने जरूर कुछ ना कुछ गलत किया होगा तभी इसके पास इतना पैसा है। अब जरा ध्यान से समझना, ये जो अमीर और गरीब लोगों के बीच में बढ़ता हुआ गैप है और लग्जरी लाइफस्टाइल और फ्रॉड्स का आपस में कनेक्शन, इन दोनों चीजों की वजह से जो बिलियनर्स हैं उनके दिमाग में एक डर बैठ गया है। डर इस चीज का कि अगर लोगों को हमारी लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में पता चलेगा तो वो शायद हमें भी किसी न किसी फ्रॉड की नजर से देखेंगे, जिससे कि हमारी कंपनी और हमारे बिजनेस के ऊपर एक बहुत खराब इम्पैक्ट पड़ सकता है। मगर इस सोशल परसेप्शन के अलावा भी एक और चीज है जिसकी वजह से ये बिलियनर्स इतना सिंपल दिखना प्रेफर करते हैं। पर इस दूसरे कारण को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि किसी भी इंसान की जो वेल्थ है वो आखिर दो लोगों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको किस तरीके से इफेक्ट करती है। रिसर्चेस ये बताती है कि आपका किसी के साथ रिलेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके और सामने वाले के बीच में कितनी फाइनेंशियल इक्वालिटी है। अब हो सकता है कि बहुत लोग इस बात से अग्री ना करें, मगर कई सारी रिसर्चेस में ये सामने आ चुका है कि जो वेल्थ गैप है वो एक टाइम के बाद दोस्तों के बीच में टेंशन, लड़ाई, प्रिजम्पशंस, नाराजगी या शर्मिंदगी ऐसी चीजों का कारण बन जाता है। ये जो फाइनेंशियल इनइक्वालिटी है इससे क्रिएट हुई गई जो गलतफहमी है वो कई साल पुरानी दोस्ती को भी एक झटके में खत्म कर सकती है। इनफैक्ट यूके में करी गई एक रिसर्च से ये पता लगा कि 3 में से 1 बंदा अपने पक्के दोस्तों को सिर्फ इसलिए छोड़ देता है क्योंकि वो ज्यादा अमीर है और उसके दोस्त उसके लाइफस्टाइल के साथ इनकम्पैटिबल है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि अमीर लोग ही अपने से कम पैसे वाले लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहते, बल्कि सच तो ये है कि जिन लोगों के पास कम पैसा है वो भी अपने से अमीर लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहते। वो लोग जो कम पैसा कमाते हैं उनमें से 43% लोगों का ये कहना है कि वो अपने अमीर दोस्तों की अमीरी से खुश नहीं है। अब देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सैलरी इक्वल होने से उनके खर्चे, उनकी गाड़ी, वो कौन से घर में रह रहे हैं, वो कौन से क्लब में जाएंगे, कहाँ पर अपनी हॉलीडेज मना रहे हैं, कौन से रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे हैं, यानी कि ओवरऑल अगर लाइफस्टाइल देखे तो वो लगभग लगभग सेम हो जाता है, जिसकी वजह से वो दो लोग आपस में एक दूसरे से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। इसी तरह से यही चीज अगर हम बिलियनर्स और एक नॉर्मल इंसान के बीच में अप्लाई कर दे तो होगा ये कि उनकी जो लग्जरी लाइफस्टाइल है उसके कारण कोई भी नॉर्मल बंदा उनसे रिलेट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि बात ऐसी है कि जिससे हम ज्यादा रिलेट करते हैं उनके ऊपर हम ज्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं, क्योंकि किसी से रिलेट करने की वजह से हमारी नजरों में उनकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है। और सिंपल है, जिस इंसान के ऊपर हम ज्यादा ट्रस्ट करते हैं हम आसानी से उनका प्रोडक्ट भी खरीद लेते हैं, और ऐसे केसेस के अंदर कंपनी को ज्यादा मार्केटिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसी का एक इंडियन एग्जांपल है टाटा ग्रुप। रतन टाटा सर और पूरे टाटा ग्रुप की ब्रांड वैल्यू आज इतनी ज्यादा है कि लोग बस टाटा का नाम सुनकर उनका प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। प्लस इन बिलियनर्स के सिंपल दिखने का इनकी कंपनी को एक और फायदा होता है, ये जो सिंप्लिसिटी का कनेक्शन है इससे ना केवल उनका प्रोडक्ट बिकता है बल्कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको आसानी से फायर भी करा जा सकता है, उनसे कम सैलरी पर ये लोग काम भी करवा लेते हैं। चलो इस चीज को एक सिचुएशन से समझते हैं। सपोज करो कि आप एक ऐसी कंपनी के लिए काम करते हो जिसका बॉस एक प्राइवेट सुपर याट में घूमता है, बहुत ही लग्जरी लाइफ जीता है और अपनी इस लाइफ को सोशल मीडिया पर जमकर दिखाता है। वहीं पर दूसरी तरफ एक और कंपनी का बॉस है जो कि ये सेम लग्जरी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकता है, पर वो आपकी और मेरी नजर में एक बहुत ही सिंपल इंसान वाली लाइफ जी रहा है थैंक्स टू हिज पीआर टीम। अब आप बताओ आपके लिए इन दोनों केसेस में कौन से बॉस से सैलरी इंक्रीमेंट मांगना आसान होगा? ऑब्वियसली पहले बंदे से, क्योंकि वो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी एक बहुत ही लग्जरी लाइफस्टाइल आपको दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कहने को ही ये होगा कि एक तरफ तो आप प्राइवेट जेट में घूमते हो और हम अगर आपसे सैलरी मांग रहे हैं तो आप कहते हो कि पैसे नहीं है। लेकिन वहीं पर जो दूसरे टाइप का बॉस है उसके लिए कॉस्ट कटिंग के नाम पर सैलरी कम करना भी आसान होता है और वो बंदा बैकलैश भी फेस नहीं करेगा अगर वो किसी को फायर भी कर दे तो। इसीलिए ये जो स्टेल्थ वेल्थ का कॉन्सेप्ट है कि इन सारे बिलियनर्स को कई सारी चीजें करने में हेल्प करता है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि सारे अमीर लोग बस दिखावे के गरीब होते हैं,
क्योंकि ज़ोहो के जो फाउंडर है मिस्टर श्रीधर वेमू, उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल असली है। वो गांव में ही रहते हैं, वहीं पर उनका ऑफिस है और आज भी वो ऑफिस साइकिल से ही जाते हैं। इनफैक्ट वो तो खेती भी करते हैं, यहाँ तक कि राकेश झुनझुनवाला भी एक ऐसी ही सिंपल लाइफस्टाइल के लिए ही जाने जाते थे। उन्होंने अपनी डेथ से पहले अपनी इनकम का 25% ऑलरेडी डोनेट कर दिया था, जो कि उनका लाइफ टारगेट था। वो खुद ये कहते थे कि बिलियनर बनने के बाद भी मैं दिल से एक मिडिल क्लास आदमी हूँ। और ऐसे ही नारायण मूर्ति और रतन टाटा सर जैसे कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, मगर इसके बावजूद भी वो एक बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं। अब ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी लाइफ की उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां पर अमीरी का शो ऑफ करना उनके लिए बचपना बन गया है। और ये जो लाइफ की स्टेज है, इसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज। एक फेमस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट अब्राहम हार्लर्ड मास्लो ने 1943 में एक पिरामिड प्रपोज किया था, जिसको आज मैस्लोज पिरामिड ऑफ ह्यूमन नीड्स भी कहा जाता है। इस पिरामिड में मैस्लो ने इंसान की इन 5 जरूरतों की बात करी है, जिसमें पहली टाइप की नीड होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। इसमें एक इंसान की बेसिक नीड्स आती है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान। फिर जो सेकंड लैडर है, उसमें आती है द सेफ्टी नीड्स। यहाँ पर इंसान हर तरीके की सिक्योरिटी चाहता है, अपनी बॉडी को लेकर, अपने पैसे को लेकर, अपनी एम्प्लॉयमेंट को लेकर, और यहाँ तक कि अपनी फैमिली के लिए भी। फिर इसके बाद जो तीसरे टाइप की नीड है, वो है साइकोलॉजिकल नीड्स। इतनी सारी चीजें करने के बाद अब इंसान को फ्रेंड्स चाहिए, फैमिली चाहिए, अपने आसपास के रिलेशनशिप्स चाहिए, जिनसे कि उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो पाए। और ये सब कुछ पाने के बाद इंसान की चौथी नीड आती है, जिसको कहते हैं एस्टीम नीड्स। ये पूरा गेम होता है रिस्पेक्ट का। इंसान दूसरों को इज्जत देना चाहता है और बदले में चाहता है कि उसको भी इज्जत मिले, यानी कि उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ी भी रहे। यहाँ पर पहुँचने के बाद इंसान बाकी चीजों से ऊपर अपनी अचीवमेंट्स को, अपने कॉन्फिडेंस को, इन सारी चीजों को वैल्यू देना शुरू करता है। आपको अपने आसपास जितने भी लोग शो ऑफ करते हुए मिलेंगे, वो अक्सर इस स्टेज पर होते हैं, क्योंकि अब उनके पास सब कुछ है, लेकिन अब उन्हें चाहिए सोसाइटी में इज्जत। लेकिन इन सब के ऊपर जो आती है, वो होती है पांचवे तरीके की नीड, जिसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जैसा कि इसका नाम है, इस स्टेज पर आने के बाद इंसान ये रियलाइज कर लेता है कि वो आखिर कौन है और उसने करना क्या है। यहाँ पर जो इंसान पहुँच जाता है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। वो अपनी क्रिएटिविटी का यूज करता है और अपने मॉरल वैल्यूज को कंप्लीट तरीके से फॉलो करता है। इस स्टेज पर इंसान फैक्ट्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, जिससे उसको ये पता लग जाता है कि शो ऑफ करने में खुशी नहीं है, बल्कि असली खुशी तो लोगों की मदद करने में है, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में है। अब ऐसा नहीं है कि ये स्टेज पर लोग सिर्फ बुढ़ापे में ही पहुंच पाते हैं, बल्कि इस स्टेज पर एक्चुअली में लोग तब पहुंचते हैं जब वो सारा कुछ अचीव कर चुके होते हैं, जिससे उनकी बेसिक सारी चीजें फुलफिल हो गई हो और अब उनकी लाइफ में एक बड़ा पर्पस क्रिएट हो गया हो। यही वजह है कि जिन लोगों की ये चार नीड्स फुलफिल हो जाती है, वो इसके बाद दूसरे लोगों के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि पैसों को डोनेट करना, हॉस्पिटल्स बनवाना, फ्री में एजुकेशन फैसिलिटीज देना। लेकिन इन सारी चीजों से कंफ्यूज ना होकर हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो कौन सा बिलियनर है जो कि सच में एक बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल जीता है और जो सिर्फ एक सिंपल लाइफस्टाइल जीने का दिखावा कर रहा है। क्योंकि पता है क्या, बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज दिखती है वो वैसी नहीं होती है। इनफैक्ट उसके पीछे ऐसी कई सारी चीजें छुपी हुई होती हैं जो हमें बहुत ही बाद में पता लगती है। जैसे कि आज की डेट में एक बहुत बड़ा ट्रेंड आ चुका है ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी का। आपके पास कई सारे लोग आएंगे और आपको बोलेंगे कि वो आपको एक ऐसी ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जिससे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम सकते हो, वो सब कुछ अचीव कर सकते हो जो आपको हमेशा से चाहिए था। लेकिन इन सारी चीजों के पीछे का जो सच है, वो आपको कभी बताया ही नहीं जाता। और जब तक आपको उस चीज का पता लगता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आप भी इस चीज के पीछे का सच अभी जानना चाहते हो ना, तो ये राइट वाली वीडियो जरूर से देखना।